ओम पितृभ्यः स्वाहा भूतगोनेभ्यः स्वाहा स्कंधाय स्वाहा महाकालाय स्वाहा ओम दुर्गायै स्वाहा ओम पितृभ्यः स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा ओम श्रद्धभ्यः स्वाहा मेरुभ्यः स्वाहा ओम त्रिशूलाय स्वाहा ओम शक्तये स्वाहा ओम खड्गाय स्वाहा ओम अंकुशाय स्वाहा भारद्वाजाय स्वाहा कश्पाय स्वाहा ओम बसु पवित्र सिद्धारम बसु पवित्रवाकां दुक्षा स्वाहा ओम इद अग्नि वैश्वानरा इन मम अयुतारो पर हरि ओम बसु काम दुक्षा स्वाहा इद अग्नि वैश्वानरा इन मम ओम स्वस्ति सत्ताजुषा प्रज्ञा विद्या पुष्टि श्री बलम तेज आयुष आरोग्यम देहि मे हम व्यवाहन यश सुनीता से नामोक्ता तप भारत माता की जय आएंगे पर्यावरण बचाएंगे यज्ञ भी कराएंगे पर्यावरण बचाएंगे यज्ञ भी कराएंगे पर्यावरण बचाएंगे बुद्धि शुद्धि हवन होता रहे बुद्धि शुद्धि हवन होता रहे बुद्धि शुद्धि हवन होता रहे गो बैक सिलिकॉन इंडस्ट्री गो बैक भारत माता की जय वंदे मातरम गो बैक सिलिकॉन इंडस्ट्री गो बैक सिलिकॉन इंडस्ट्री गो बैक सिलिकॉन इंडस्ट्री गो बैक जहां की सरकार ने भरपूर जो कोशिश कर रही है कि यहाँ लाखों की संख्या में पेड़ों को काटकर इंडस्ट्री को इंस्टॉल किया जाए और ऐसी मानसिकता रखने वाले जो अधिकारी हैं जो इतनी संख्या में हमारे पर्यावरण के यहाँ इंडस्ट्री को सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं आज उनकी मानसिक संतुलन ठीक रहे उनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है वो ठीक हो इसी लिए हमने आज यज्ञ हवन का आयोजन किया था कि परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि बख्शे और हमारा पर्यावरण है जो वो सुरक्षित रहे हमारे गांव की विरासत हमारा पर्यावरण हमारे लोगों की जिनकी गलत मानसिकता है उनसे बचाए और जिस तरीके का सरकार का जो प्रपोजल है उसको हमने पहले भी कंडेम्न किया है और अभी भी कंडेम्न करते हैं कि इस तरीके की किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री यहाँ लोगों को मंजूर नहीं है। यहाँ लोगों का जो वातावरण दिया गया है कुदरत की तरफ से वो बहुत अच्छा वातावरण है। हम नहीं चाहते किसी भी हालत में हमारी विरासत को कुछ ठेस पहुंचे, हमारे पर्यावरण को कोई भी ठेस पहुंचे। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग यहाँ इस जो गंदा वातावरण जो आने वाले दिनों में सरकार हमें देने जा रही है उससे अपनी जान की जो है वो कोई बीमारियां ले इनसे। आए दिन हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज के दुष्परिणाम हैं वो किस प्रकार से हैं और इस वातावरण हमने पहले भी सरकार से अपील की थी कि आप किसी बंजर जमीन पे इंडस्ट्री को सेटअप कीजिए। हमने पहले भी सरकार से कहा कि स्टेट लैंड लेनी है आपको तो लीजिए लेकिन यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाइए। हमारा एक ही मकसद है कि हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि नाना प्रकार की बीमारियां हमारे लोगों को लगे। इंडस्ट्री से ऑलरेडी हमारे कंडी बेल्ट हैं, यहाँ वाटर लेवल जो है ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऑलरेडी कम है। इंडस्ट्री आएगी यहाँ का वाटर लेवल ले जाएगी, हमारी ज़मीन होगी, हमारा पर्यावरण खराब कर देगी। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नाना प्रकार के पॉल्यूशन जो हैं वो उनसे हमें सामना करना पड़ेगा अगर इंडस्ट्री यहाँ आती है। तो इसलिए हम एक ही स्वर में इसमें विरोध जाहिर कर रहे हैं कि हमें किसी भी हालत में यहाँ इंडस्ट्री नहीं चाहिए। पर होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम सरकार तक लोगों की बात पहुंचाएं। तो हमने जब भी समय मिला हमने सरकार से इसकी डिस्कशन की है कि ये लाखों की तादाद में आप पेड़ पौधे काटकर इंडस्ट्री बनाओगे तो वो तो इंसानियत के खिलाफ है। तो हमारा एलजी साहब से एक सीधे सीधे निवेदन है कि एलजी साहब आप एक बार किसी भी अच्छे से ऑफिसर को जहां भेज के एक री आप कंसीडर करवा लें, इसको दोबारा सोच विचार करा लें कि जे एरिया जो है वो इंडस्ट्री के काबिल है या नहीं है। जे मेरी हाथ जोड़ के विनती है पंचायत की तरफ से कि जो जे एरिया है इसको एक बार सिडको को देने से पहले
एक बार लोगों से विचार विमर्श किया होता तो शायद ये एरिया नहीं जाता। मैं आपके माध्यम से जे सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं। अब मई महीने में जे स्लोगन देंगे जब बरसात का मौसम आएगा कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, जो पेड़ लगाने के लिए लाखों रुपया खर्च करेंगे और ये लाखों पेड़ काट रहे हैं फ्री में। बस यही है सरकार से विनती कि हमारे कंडी में और कुछ तो है नहीं, जो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, इसको प्लीज आप हमारे से मत छीनो। जहां इंडस्ट्री के लिए एरिया सूटेबल नहीं है, जो आपने फैसला किया है, इसको एक बार दोबारा सोच विचार कर ले, रिकंसीडरेशन कर ले। जय हिंद, जय भारत।